सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैल्ये मल्लिकार्जुनं उज्जयिन्या महाकाल ओंकारेश्वर ममलेश्वरं प्रल्या वैद्यनाथं च डाकिन्या भीमाशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावणि वाराणस्या तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं कृष्णेशं शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातःपठेन्नर सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणे तु विनश्यति। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं अभी खड़ा हूँ श्री महाकालेश्वर के उज्जैन नगरी में और आपको इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ उज्जैन के सारे मंदिर के दर्शन और साथ ही साथ हम 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर के दर्शन करेंगे। मैंने मेरी 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा स्टार्ट की है। श्री त्र्यंबकेश्वर से मैंने यात्रा स्टार्ट की थी। 10वें ज्योतिर्लिंग श्री त्र्यंबकेश्वर के दर्शन के भी मैंने व्लॉग बनाए हैं, अगर आपने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वो देख सकते हैं। लेकिन अभी तीसरा जो ज्योतिर्लिंग है श्री महाकालेश्वर, उसके दर्शन में करने के लिए आया हूँ और उसके दर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। महाकालेश्वर के साथ साथ यहाँ के भी बाकी के भी मंदिर के हम दर्शन करेंगे, लेकिन अभी दर्शन स्टार्ट करने से पहले मैं खड़ा हूँ रामघाट पे। रामघाट से हमारी जर्नी स्टार्ट करते हैं, हमारे दर्शन स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और 12 ज्योतिर्लिंग की मेरी यात्रा में आप वर्चुअली पार्टिसिपेट भी कीजिए। इतने सारे स्पॉट्स हैं हमें देखने हैं उज्जैन में। इस्कॉन टेम्पल, भारत माता मंदिर, महाकाल मंदिर जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, हर सिद्धि माता मंदिर में भी हम जाएंगे, उसके बाद गोपाल मंदिर है, घंटा घर है, राम जनार्दन मंदिर भी है और एक भरतहरी गुफा भी है। तो देखते हैं पहले कौन सा मंदिर में जाना है, महाकाल मंदिर और हरसिद्धि माता मंदिर में देखता हूँ, उसके हिसाब से फिर बाद में जितना टाइम मिलेगा उसके हिसाब से हम बाकी के मंदिर में जाएंगे। गोपाल मंदिर रहे या फिर घंटाघर रहे, राम जनार्दन मंदिर रहे या फिर भारत माता मंदिर रहे। कल रात को मैं मुंबई सेंट्रल से निकला था और अवंतिका एक्सप्रेस की जर्नी करके मैं उज्जैन यहाँ पे आया हूँ। अवंतिका एक्सप्रेस की अगर आपने जर्नी नहीं देखी है तो अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वो भी देख सकते हैं। अवंतिका एक्सप्रेस की जर्नी कंप्लीट करने के बाद मैं एक होटल पे चेक इन किया है, रामेश्वरम होटल है, ठीक ठाक होटल है, 700 रुपये पर डे का चार्जेस है एक रूम का और मैं सिंगल ही हूँ आज वहाँ पे रह रहा हूँ। तो उस होटल के बाद मैंने अभी रामघाट पे आया हूँ, रामघाट से हमारी दर्शन की यात्रा स्टार्ट करने वाले हैं। रामघाट पे ही श्री कामेश्वर महादेव के मंदिर है। अगर आपको इसके बारे में इतिहास देखना है तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये पढ़ भी सकते हैं और चलो उसके अंदर जाके, मंदिर के अंदर जाके कामेश्वर महादेव के दर्शन लेते हैं। शिप्रा नदी पे स्थित उज्जैन नगरी और यहाँ का रामघाट, यहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद अभी मैं जाने वाला हूँ हरसिद्धि माता के दर्शन करने के लिए। यहाँ से हरसिद्धि माता का मंदिर पास में है, वहां से फिर हम महाकाल के दर्शन करने के लिए जाएंगे। रास्ते में मुझे श्री लक्ष्मी वेंकटेश मंदिर मिला और उसके अंदर ही गौशाला है, धर्मशाला भी है, आप यहाँ पे रह सकते हैं और चलो अंदर जाके दर्शन करते हैं लक्ष्मी वेंकटेश स्वामी के। आगे।
लेफ्ट साइड में यहाँ पे मंदिर है, मूर्ति आपको दिख रही होगी, और राइट साइड में भागवत पूजा की समाप्ति हुई है अभी अभी। मंदिर आते आते ही मैंने पोहा और नींबू शिकंजी का स्वाद लिया है। नींबू शिकंजी और पोहा दोनों काफी अच्छे थे। पोहा सिर्फ 10 रुपए का था और नींबू शिकंजी 20 रुपए की। आप कभी आते हो तो वो जरूर ट्राई करना। रामघाट से महाकालेश्वर के मंदिर के रोड पे ही आपको हर सिद्धि माता का मंदिर मिल जाएगा और ये मंदिर है, तो चलो अंदर जाते हैं और दर्शन लेते हैं। पता नहीं अंदर कितना वीडियोग्राफी को अलाउ करेंगे, तो मैं आपसे मुलाकात करता हूँ अभी मेरे दर्शन होने के बाद। हर सिद्धि माता के मैंने दर्शन कर लिए हैं, काफी अच्छी तरह से हुए। लेकिन शाम को यहाँ पे आरती होती है, यहाँ पे जो दीप स्तंभ है उसके ऊपर पूरे दिए लगते हैं, लेकिन रोज नहीं है शायद, जो यहाँ पे अभिषेक वगैरह करता है वो लगाते हैं, कोई त्योहार के दिन ही होता है। तो मैं वो देखने के लिए नहीं आऊँगा आज, लेकिन शाम में मैं दूसरे मंदिर की तरफ जाने वाला हूँ। और अभी चलते हैं महाकाल के दर्शन के लिए, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक। मंदिर के बारे में अगर जानकारी देखें तो उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और ये तीसरा ज्योतिर्लिंग है। यह मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर भगवान का प्रमुख मंदिर है। पुराणों में, महाभारत में और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। स्वयंभू, भव्य, दक्षिणमुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पुण्यदायी महत्ता है। यहाँ से प्रवेश द्वार है और बाहर स्क्रीन भी लगाई है, आप यहाँ से लाइव दर्शन भी ले सकते हैं। दर्शन की क्यू में लग चुका हूँ मैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। बाहर कहना है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फास्ट हो जाएगा दर्शन, लेकिन अगर आपको और फास्ट चाहिए तो 250 रुपये इसका स्पेशल एंट्री दर्शन भी है, तो वो भी आप ले सकते हैं, और मंदिर के डायरेक्टली पास में ही है वो। तो यहाँ से फ्री दर्शन में आपको थोड़ा ज़्यादा चल के जाना पड़ सकता है और विदाउट फुटवेयर जाना है, अभी थोड़ी धूप है तो पैर आपके गर्म हो सकते हैं। महाकाल जो काल के राजा है, काल का अर्थ होता है एक समय और दूसरा मृत्यु, जो समय और मृत्यु दोनों के राजा है, ऐसे महाकाल, इनको महाकाल इसलिए कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहीं से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया है। पौराणिक कथा के अनुसार इस शिवलिंग की स्थापना राजा चंद्रसेन और गोप बालक की कथा से जुड़ी है। कालों के काल महाकाल के यहाँ प्रतिदिन अल सुबह भस्म आरती होती है। सुबह 4 बजे इस भस्म आरती की पूजा होती है और कहा जाता है कि इस आरती में ताजा मुर्दे की भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। महाकाल के दर्शन के बाद जूना महाकाल के दर्शन जरूर करना चाहिए। कुछ लोगों के अनुसार जब मुगल काल में इस शिवलिंग को खंडित करने की आशंका बढ़ी तो पुजारियों ने इसे छुपा दिया था और उसकी जगह दूसरा शिवलिंग वहां पे
रखा था, तो इसे ही जुना महाकाल कहा जाता है। और जुना महाकाल की लिंग शिवलिंग उसके बाद में मंदिर के प्रांगण में ही दूसरे मंदिर में बाद में शिफ्ट कर दी थी। और 12 ज्योतिर्लिंग में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है। ऐसा कहा जाता है कि आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग तथा पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग ही मान्य शिवलिंग है। प्रेजेंट में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर यह 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर शिवलिंग है, मध्य खंड में ओमकारेश्वर है तथा ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन वर्ष में सिर्फ एक बार ही होते हैं, जो नाग पंचमी के दिन आपको करने को मिलेंगे। तो मंदिर के बारे में और शिवलिंग के बारे में ये थोड़ी सी जानकारी है। इसकी और जानकारी है शिवलिंग के बारे में, बहुत बड़ा इतिहास है, लेकिन हम यहीं पे रुकते हैं और मैं आपको अभी महाकाल के दर्शन कराता हूँ और उसके बाद आपसे मिलता हूँ। महाकालेश्वर के दर्शन मेरे हो चुके हैं, थोड़े दूर से हुए लेकिन काफी अच्छी तरह से हुए, कुछ भी भीड़ नहीं थी। लेकिन अगर आप 250 रुपए के दर्शन लेते हो तो थोड़ा पास जा सकते हो, लेकिन शिवलिंग को आपको टच करने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप 1500 का दर्शन लेते हो, 1500 में 2 लोगों का अगर दर्शन लेते हो, उसका अभिषेक का एक कूपन लेते हो, तो आपको शिवलिंग को टच करने की परमिशन है। आप पास में जा सकते हो और वहाँ पे आप नमस्कार भी कर सकते हो। तो चलिए, अभी महाकालेश्वर के दर्शन होने के बाद मैं जाने वाला हूँ बाहर, ये एक बड़ा गणेश मंदिर है वहाँ पे, और वहाँ से देखते हैं कि दूर के मंदिर कवर होते हैं या नहीं आज के दिन। ये प्राचीन वृद्ध कालेश्वर मंदिर है, इसे श्री जुना महाकाल भी मंदिर कहा जाता है। महाकाल के दर्शन होने के बाद आप यहाँ पे भी आके दर्शन ले सकते हैं।
मंदिर के सामने ही ऐसा प्रसाद वाला मिलता है, तो आप ये प्रसाद ले सकते हैं। मैंने 2 बॉक्स लिए 100 रुपए के। अगर सस्ता गिरा है तो बता दीजिए और महंगा गिरा है तो भी बता दीजिए। और ये फूल है, कौन से फूल है आपने बताया? सफेद गुलतेवड़ी के फूल है। अरे मुझे भी नहीं पता एक्चुअली उसका क्या यूज है। बड़ा गणेश मंदिर में गणेश जी के दर्शन करने के बाद मैं आया हूँ भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर और महाकालेश्वर मंदिर, बड़ा गणेश मंदिर, हरिसिद्धि मंदिर, रामघाट, ये सब पास में ही है, थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे ही होंगे। अगर आप चल सकते हो तो सारे मंदिर चल के ही कवर कर सकते हो, लेकिन जिनको चलने में दिक्कत है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे पेड़ 20-30 रुपीज़ वो चार्ज करेंगे एक मंदिर से दूसरे मंदिर के जाने का। ये भारत माता मंदिर है और उसके पास में ही ये बड़ा सा महाकालेश्वर भक्त निवास है, आप उसमें भी स्टे कर सकते हैं। भारत माता के मंदिर के नीचे ही ये भारत का नक्शा है, जो पुराना नक्शा है, इसमें 12 ज्योतिर्लिंग है, कई पुरानी नदियों का यहाँ पे दिया है वर्णन। तो चालू करते हैं रामेश्वरम। यहाँ नीचे रामेश्वरम है, कन्याकुमारी, और आप देखिए विजयनगर, उसके बाद कांची, कावेरी नदी कहाँ से जा रही है, उसके बाद कृष्णा नदी, उसके बाजू में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, उसके बाद गोदावरी नदी देखो कहाँ जाके मिल रही है, और वो कहाँ से आ रही है, त्र्यंबकेश्वर से आ रही है, उसके बाजू में भीमा शंकर और घृष्णेश्वर, ये 3 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में जो है, उसके बाद सोमनाथ और द्वारिकाधीश नागेश्वर, ये 2 ज्योतिर्लिंग माना जाता है महाराष्ट्र में भी। इसका एक द्वारका का ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर, उसके ऊपर मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर, उसके बाजू में नर्मदा नदी, और अगर आप ऊपर जाएंगे मथुरा की तरफ दिल्ली कुरुक्षेत्र देखिए कहाँ है, उसके ऊपर अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगा नदी का उगम देख सकते हैं, आप फिर अयोध्या नगरी देख सकते हैं, उसके बाजू में काशी विश्वनाथ देख सकते हैं, नालंदा, और इधर एक झारखंड में वैद्यनाथ भी देख सकते हैं। अगर आपको गांधार राज देखना है तो इधर ऊपर आप देख सकते हैं गांधार राज भी। भारत माता के मंदिर में मैं अभी आ चुका हूं और अभी टाइम है आपसे गुड बाय बोलने का और इस वीडियो को यहीं पे एंड करने का। उज्जैन शहर के मैंने सारे मंदिर एक्सप्लोर किए हैं, महाकाल के मैंने दर्शन किए, हरिसिद्धि माता के मैंने दर्शन किए, बड़ा गणेश मंदिर में हम गए थे और रामघाट में भी हम गए थे, लेकिन शहर के बाहर के जो स्थान है, जो मंदिर है, मैं वो नहीं देख पाया समय की कमी होने के कारण। लेकिन आप बने रहेगा मेरे साथ और उज्जैन शहर में महाकालेश्वर के दर्शन करने के बाद मैं एक और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाने वाला हूँ ओमकारेश्वर, उसके व्लॉग के लिए भी तैयार रहिए। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा मेरे साथ वर्चुअली आप भी एंजॉय कीजिए और दर्शन भी लीजिए। दो मिनट और वीडियो एंड करने से पहले मैं चारधाम के एक मंदिर में भी गया था, उज्जैन में ही है, बस स्टॉप के बाजू में ही है, चारधाम का बस स्टॉप है और महाकालेश्वर मंदिर से थोड़ा सा 500 मीटर की दूरी पे है। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से आते हैं, यहाँ पे आपको चार धाम के दर्शन मिलेंगे, बद्रीनाथ और उसके बाद में रामेश्वर, द्वारकाधीश और जगन्नाथपुरी के दर्शन मिलेंगे। और वहाँ पे आपको श्री वैष्णो देवी की गुफा की एक प्रतिकृति बनाई है, वहाँ पे 5 रुपये का एंट्री फी है, आप अंदर जाके बहुत सारे वर्णन देख सकते हैं, बहुत सारी मूर्तियाँ हैं और उसके बाजू में ही श्री 12 ज्योतिर्लिंग का भी एक मंदिर है। तो ऐसे सारे मंदिर के आप दर्शन कर सकते हैं महाकालेश्वर के मंदिर के साथ साथ भी। अल्लाह पैसा।
चार धाम मंदिर में भी एक वैष्णो देवी गुफा का वर्णन किया है, उसका 5 रुपए एंट्री फी है। उसके अंदर मैं अभी अभी जाके आया हूँ। आप अगर चार धाम के मंदिर आते हो कभी तो ये देखने लायक है, यहाँ पे आपको बहुत सारे वर्णन देखने को मिलेंगे। उज्जैन में मेरे अगर खाने के बारे में देखा जाए तो बहुत सारी जगह पे मैंने ये कॉमन मेन्यू कार्ड देखा है, दाल बाफला, स्पेशल थाली, सादी थाली, और पीछे ऐसा वाला मेन्यू जो आपको सब्जी मिल जाएगी, पंजाबी सब्जी वगैरह रहती है कोई कोई, पराठा, चावल, दाल। लेकिन ये बाफला हम ट्राई करने वाले हैं, क्या रहता है ये बाफला। अनलिमिटेड थाली है दाल बाफला की 100 रुपए में। ये आ गया मेरा दोस्तों दाल बाफला। दाल है, कड़ी, बाफला, ये है हमारा चावल, अचार और प्याज। उज्जैन के अगर आपको दर्शन करना है बाहर के मंदिर के तो ये बस जाती है 90 रुपीज पर व्यक्ति, लेकिन भरने तक आपको इंतजार करना होगा।